मोहतरम मियाँ जलील अहमद शरकपुरी, आप साबक एमएनए भी हैं, आप डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा के नाजम भी रहे हैं, आप सूबाई असम्बली से भी आपका ताल्लुक रहा है, आज मेरे साथ हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। शरकपुरी साहब, लीडर शहबाज शरीफ आपके, आपने उनके साथ काम किया हुआ है, तो क्या देखते हैं कि वाकई कुछ ऐसे हकायक हैं जिनकी बिना पर उनको अरेस्ट किया गया है, आप इसको किस तनाज़ुर में देखते हैं? देखिए, ये सरासर एक सियासी दखल अंदाजी है निज़ाम में और शदीद ज़्यादती है पाकिस्तानी अवाम के साथ कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन है और उनके ख़िलाफ़ कोई प्रूफ भी आपके हाथ में नहीं है, प्रूफ ढूंढने के लिए आप उन्हें इस तरीके से पकड़ के लेके जाते हैं, तो ये तो बड़ा एक मजाक है। प्रिंसिपली तो एक आम आदमी, गरीब आदमी को भी जब तक जुर्म साबित ना हो उसे बेजा जेल में अकूबत खाने में नहीं रखना चाहिए, जिसको साबित हो जाए उसके ख़िलाफ़ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, ख्वाह वज़ीर आज़म हो या ख्वाह आम आदमी हो। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जितनी खिदमत की है पंजाब की, जितना उन्होंने वर्क किया है, दुनिया के अंदर एक नाम बनाया है और आज वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो जब तक आपके हाथ में कोई प्रूफ नहीं है, कोई चीज़ साबित नहीं हो सकी, पहले साबित कर लें, जब जुर्म साबित हो जाए तो देन कानून के मुताबिक अगर कोई कार्रवाई करेंगे तो एक और बात होगी, लेकिन उनके खिलाफ तो कोई एलिगेशन है ही नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब का तो जितना मोहतात अंदाज था काम करने का, वो करप्शन कैसे साबित हो सकती है? तो ये तो सरासर सियासी एक है सारा निज़ाम जो सख्त जाती है, बड़ी सख्त जाती है। क्या देख रहे हैं सर, आप काफ़ी गहरी निगाह रखते हैं सियासत में, इसमें कोई शक नहीं है, आपने बहुत तजर्बा आपका, तो ये किस तरफ लेकर जा रहे हैं पीटीआई की गवर्नमेंट सूरत हाल को? और पीटीआई की तरफ ये भी सर बात आई कि ये हमारे मुकदमात बने हुए नहीं हैं, तो इसका भी ज़रा बात कीजिए। नहीं जी, बेशक उनके नहीं बने हुए, लेकिन जिन्होंने भी बनवाए हुए हैं, जिन्होंने भी जो पीटीआई को आगे लेके आए हैं, शायद उन्हीं के बने होंगे। उस वक्त मियाँ नवाशिफ साहब खुद वज़ीर आज़म थे, तो उनके खिलाफ़ सारी एलिगेशन हो गई थी, तो इट मीन का निज़ाम चल कहीं और से रहा है, दिख कहीं और से रहा है। तो खान साहब जो चला रहे हैं वो अपने जेन से नहीं चला रहे, वो भी चलता चलाता उन्हें मिल रहा है और 90 दिन की कारकर्दगी और इस तरीके से वो मुल्क के अंदर कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं कर रहे और ना ही पीटीआई की गवर्नमेंट कोई अच्छी मिसाल कायम करती नज़र आ रही है। जैसे उन्होंने मशीरान रख लिए हैं, जैसे उन्होंने अपने मीडिया एडवाइज़र रख लिए हैं जिन्हें कोई एटिकेट्स तमीज़ से बात करने के भी शायद नहीं हैं, तो ये हालात जो हैं वो अच्छी तरफ नहीं जा रहे। थैंक यू सर, थैंक यू। कॉमर्स और टेक्निकल बुक्स के बानी अजीम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस 1988 से कायम शुदा, पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अजीम ग्रुप की किताबें टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। उर्दू बाजार लाहौर, फोन नंबर 9242372314448। यूनस मोबाइल होलसेल डीलर, ऑल मोबाइल ब्रांड्स अवेलेबल, 25 इयर्स ऑफ ट्रस्ट, एड्रेस 29 मेन हॉल रोड लाहौर, फोन 04237274485।